हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महेंद्र व्लॉग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी गाइस, अभी टैंकी फुल करवा ली है गाड़ी की और इस वक्त जो है मैं निकल रहा हूँ फैसलाबाद के लिए, और मुझे वहाँ कोई छोटा मोटा काम था जिसकी वजह से जो है ना मैं अभी निकल रहा हूँ। तो रास्ते में इंशाल्लाह आपको अपडेट देते रहता हूँ, साथ रहिएगा। जी गाइस, बस सफ़र रवाना हो चुका हूँ। जी गाइस, फैसलाबाद तकरीबन मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर के राउंड बोर्ड रह गया है। तो मोटरवे तो खाली है, आज हमें मिला सारा मोटरवे, कोई रश नहीं है, बस ये ट्रक ट्रुक के जा रहे हैं। पेट्रोल ही बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है कि गवर्नमेंट ने, कि जो लोग पहले सफ़र करते थे अपनी गाड़ियों पर, उन्होंने वो सफ़र कम कर दिया करना। तो अल्लाह ताला जो है ना, हमारे इस पाकिस्तान में जो हुक्मरान है ना, अल्लाह ताला बस कोई अच्छा हुक्मरान हमारे लिए भेज दे जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए बेहतर हो, हमारी तो ये दुआ है। तो इस वक्त जो है ना बहुत ही बुरे हालात कर दिए हैं मुल्क के पेट्रोल की जो कीमत है वो आसमानों पर चली गई है। तकरीबन 300 रुपये तो चला गया पेट्रोल। तो अब जो बेचारा सफ़ेद पोश बंदा है, तो गाड़ी भी लोगों के पास होती है, घरों में ली होती है लोगों ने, किसी ने इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है, किसी ने कोई जमा पूंजी इकट्ठी करके गाड़ी ली हुई है, लेकिन क्या है कि जब पेट्रोल ही महंगा है तो वो कैसे निकालेगा बेचारा। अब उसने अपने ऑफिस भी जाना है, बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, सारा कुछ करना है, लेकिन बहुत ही मुश्किल का यानी कि सामना करके उसे ना, अब क्या करेंगे लोग, गाड़ियाँ खड़ी हैं घर में, पैसे हैं नहीं लोगों के पास, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ सेल आउट कर देनी है, करके बेचारे कोई बाइक चलाएगा या कोई बसों पे, मेट्रो है या जो कोई और बस ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर जो है ना वो जाएंगे। तो बस जी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना हमारे मुल्क पे खसूसी करम फरमाए, रहम फरमाए, अल्लाह ताला कोई अच्छा हुक्मरान हमें अता फरमाए। सबसे बड़ी बात है कि हमें खुद को सही होना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा जैसी आवाम होती है हुक्मरान भी वैसे ही होते हैं। हम सबसे पहले खुद अपने आप को जब ठीक कर लेंगे ना, उस वक्त जो है ना अल्लाह ताला हम पे रहम करेगा, हमें हुक्मरान भी अच्छा ही इंशाल्लाह मिलेगा। तो बस जी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि कोई अच्छा हुक्मरान है मुल्क में तब्दीली ले आए, और अल्लाह ताला हिदायत दे सबको, और जो है ना सबसे पहले आते साथ तो पेट्रोल कम कर दे क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है ना वो सारा दारोमदार ही उसी के ऊपर होता है। देखें कि एक शहर से दूसरे शहर जाना है, जैसे बसें चलती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये आप देख रहे हैं मोटरवे पर मैं इस वक्त हूँ, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है ना कोई बस का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा, बसें भी कम है। यानी कि कहने का मकसद है, जिस तरह अगर डीजल बढ़ा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, तो बसें भी जो है ना उसी तरह जो है उसके ऊपर ट्रैवल करना भी लोगों ने कम कर दिया, क्योंकि वजह यह है कि उसकी टिकट्स भी जो है वो महंगी कर दी है उन्होंने। ज़ाहरी बात है जो ट्रैवल वाले हैं लोग, उन्होंने कम कीमत में तो अपनी टिकट सेल करनी नहीं है, जितने का डीजल है उस हिसाब से उन्होंने टिकट के कीमत रख के जो है ना टिकट सेल करनी है। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये मैं बरास्ता मोटरवे अपना मुल्तान से चला हूँ और ये फैसलाबाद जा रहा हूँ। अब आप ये देख लें कि मोटरवे पे गाड़ी भी इक्का दुक्का कोई कोई नज़र आ रही है, और बस ये बड़ी ट्रांसपोर्ट है वो ज़ाहरी बात है दारोमदार सारा जो है बड़ी ट्रांसपोर्ट का जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ज़ाहरी बात है कि चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्ट करते हैं कुछ लोग, एक शहर से दूसरे शहर में मंगवाते हैं, लेकिन आप उसका भी हाल देख लें कि ट्रक हैं या बसेस हैं वो भी कम है मोटरवे पे, जो कि मेरे समझने में तो मोटरवे का इतना आसान यानी कि सफ़र है, बहुत आसान है। पहले हम जाया करते थे मोटरवे पे, गाड़ियाँ गाड़ियाँ होती थी या बसेस होती थी, अब ये देखें जी कितनी देर बाद जाके जो है ना एक ट्रक नज़र आया है, ठीक है। तो बस भी जो है ना कोई अब पूरे रास्ते में दो बसें थी जो कि क्या नाम है मेरे पास आई हैं, मैंने यानी कि उनको ओवरटेक किया है, अदरवाइज़ मुझे उसके अलावा कोई बस नज़र नहीं आई। तो आप देख लें कि बस अब ये वापसी जाते हुए ये डेवो एक नज़र आ रही है, ठीक है, या ये एक छोटी कोस्टर नज़र आ रही है, बस इस रोड पे जाते हुए आपको मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, आप भी देख लें कि आपको भी कोई चीज़ में नज़र नहीं आएगी। तो इतनी यानी कि कमर टूट गई है, रीढ़ की हड्डी समझे मुल्क की तोड़ दी है इन्होंने, कि पेट्रोल को इतना महंगा करके कि ट्रांसपोर्ट पे जो असर हुआ है।
देखे ना, जब पहिया ही रुक गया तो मुल्क कैसे चलेगा? पहिया ही जब रुक गया है तो मुल्क ने चलना ही नहीं है। अब ये फर्ज के ये ट्रक है फॉर एग्जाम्पल, अब जब इसमें डीजल डलना है, जब डीजल ही महंगा है, खर्चे बढ़ गए हैं, जो किराए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा किसी दूसरे शहर से अगर कोई चीज़ मंगवाता है, किसी फैक्ट्री से लेता है, ठीक है, तो जहाँ उसका किराया 1 लाख था, तब उसको 1.5 लाख भरना पड़ेगा, तो वो भी मखसूस चीज़ मंगवाएगा। ज़ाहरी बात है फिर चार दुकानदार होंगे या कोई अपना कोई जिनका कोई गोदाम होगा या कोई चीज़ होगी, 4-5 लोग मिल के एक कंटेनर इस तरह का जो है ना वो इम्पोर्ट करवाएंगे, मंगवाएंगे, एक बंदे की सकत से यानी कि बाहर हो गया ये काम। तो बहरहाल अल्लाह ताला जी हमें नासिर हो इस मुल्क का, खैर वाफियत से जो है ना इसमें कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए तो जल्द अज जल्द इस मुल्क को किसी अच्छे हुक्मरान की बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। तो बस हम सब मिल के दुआ करें, आप लोग भी जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी इस दुआ में शामिल हों के खैर वाफियत अल्लाह पाक जो है ना जल्द अज जल्द इस मुल्क पर कोई अच्छा हुक्मरान लेके आए, जो मुल्क की खातिर सोचे, मुल्क की खातिर सोचे और मुल्क को आगे लेके चले इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है अल्लाह ताला, देखें कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, दिन अच्छे नहीं रहते तो दिन बुरे भी नहीं रहते, निकल जाते हैं, कट जाते हैं, आखिर उम्मीद लगाई बैठे हैं, अल्लाह करेगा कोई ना कोई अल्लाह का वली आएगा इंशाल्लाह, आके जो है ना मुल्क को जो है ना सीधा कारी देगा इंशाल्लाह। बाकी गाइस सफ़र कर रहा हूँ स्लो एंड स्टडी विन द रेस, इस दफ़ा मैं तेज़ नहीं चला रहा बिल्कुल भी, अदरवाइज़ आम रूटीन में तो जब भी मैं जाता था मीटर तो मारता ही था फुल, तो लेकिन बहरहाल दुआ करता भी था मैं अपने लिए भी और करवाता भी था कि या अल्लाह पाक मुझे जो है ना हिदायत दे कि मैं जो है ना गाड़ी तेज़ ना चलाया करूँ, क्योंकि नुकसानदेह है, जोश में होश नहीं रहता, जवान फोन है तो समझ नहीं आती, सही सच बात जो है ना मुझे नहीं पता चलता, समझ नहीं आती, बस स्पीड मार लेनी है। तो अब जो है ना इंशाल्लाह ताला हिदायत थोड़ी थोड़ी जो है ना हासिल हो रही है, अल्लाह खैर करेगा कि आइंदा जो है ना मैं स्पीड में गाड़ी नहीं चलाऊंगा, कि देखें किसी की जान का भी ख़तरा है इसमें और सबसे बड़ी बात अपनी जान का भी ख़तरा है। तो बात जी अल्लाह पाक सबको खैर ऑफिस है, जो जो लोग सफ़र कर रहे हैं अपने जो उनकी एक मंजिल जो है उस तक खैर ऑफिस से पहुँचा दे, आमीन सुम्मा आमीन। इस खैर ऑफिस है बस ये तकरीबन हम फैसलाबाद इंटरचेंज से जो है ना उतरने लगे हैं इंशाल्लाह, न्योटा फैसलाबाद जी गाइस, फैसलाबाद इंटरचेंज पे आ गए हैं ये जी। फैसलाबाद हम पहुंच गए थे, अभी मेरा कज़न है उन्होंने ये नया घर लिया है, यहाँ शिफ्टिंग जो है ना हो रही है, तो अभी इस टाइम रात को हम आए यहाँ विज़िट करने के लिए, आपको थोड़ा सा अंदर घर का व्यू दिखाता हूँ, अभी शिफ्टिंग हो रही है, वैसे सामान तो अभी लेके जो है ना आ रहे हैं। हाय अस्सलाम सलाम जी गाइस, देखें माशाल्लाह घर बहुत प्यारा है, अल्लाह ताला रहना नसीब करे, अभी थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है यहाँ पे, अभी तो सामान आ रहा है, शिफ्टिंग हो रही है जी गाइस, देख सकते हैं ये किचन है, किचन बहुत अच्छा प्यारा बना हुआ है माशाल्लाह। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये टीवी लाउंज है, सामान आप देख रहे हैं, सामान अभी आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके, टीवी लाउंज बहुत प्यारा है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये लेफ्ट हैंड पे पहला बेडरूम, बेडरूम भी बहुत प्यारा है ज़बरदस्त, अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है, फर्स्ट टाइम इधर जो है ना शिफ्ट हुए हैं, जिसका अटैच बाथरूम, ये जी अब रूम से बाहर निकले, ये स्टोर है सामने, और उसके बाद ये आ जाता है एक और बेडरूम, हवादार बेडरूम है, ये इसका जी वॉशरूम ज़बरदस्त सही बहुत प्यारा बना हुआ माशाल्लाह जी। ये टीवी लाउंज का व्यू आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ दूर से, अच्छी वॉल बनी हुई है एलसीडी के लिए, सीलिंग भी अच्छी हुई हुई है। और गाइस अब आप
आपको जो है ना इसका टेरेस भी दिखाता हूँ। ये किचन के अंदर से जो है ना टेरेस के लिए रास्ता जाता है। आपको टेरेस का भी व्यू थोड़ा सा दिखाता हूँ। सफाई तो होने वाली है, जारी बात अभी न्यू शिफ्टिंग है तो सफाई इसकी हो रही है साथ के साथ। बहुत प्यारा एलिवेशन है फ्रंट और ज़बरदस्त ये जी आयात लिखी हुई है, खूबसूरत माशाल्लाह। वैसे दिन का व्यू अगर होता तो दिन में आता तो आपको दिन में व्यू इसका दिखाता, लेकिन जल्दबाज हूँ मैं बस इस टाइम आया था तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ। सोसाइटी का नाम वापडा सिटी फैसलाबाद है और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बहुत खूबसूरत कह लें कि ये सोसाइटी है। जिस तरह हमारा DHA है उसी लेवल की जो है सोसाइटी बनी हुई है जी। गाइस अब ये मैं बाहर आ गया हूँ और ऊपर थर्ड फ्लोर पे जा रहा हूँ। थर्ड फ्लोर का व्यू भी देखता हूँ किस तरह का है। या अल्लाह खैर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। अंधेरा है, अंधेरे में तो कुछ नज़र नहीं आना, अभी तो सामान सामान भी पड़ा है लेकिन हवा बहुत है जी, हवा बहुत है, ठंडी हवा आ रही है। अच्छा थर्ड फ्लोर पे भी आ गए हैं और बल्कि फोर्थ फ्लोर के ऊपर भी जो है ना, ये देखें सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ऊपर जाने के लिए, सीढ़ियाँ देख ली हैं तो क्यों ना फोर्थ फ्लोर पे भी जाया जाए। वाह जी वाह ज़बरदस्त, ये टैंकी वाली छत है जी। कैसे हो? ठीक हूं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, घर देखने आए हो? छत पे आया हो जी मेरे साथ साथ। बेटा आप चलो नीचे, हसन चलो ना। नहीं जी नहीं, कहता नहीं जाना। हसन साहब पहुंच चुके हैं गाड़ी पे। ये घर है माशाल्लाह, आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ अभी। अभी तो दरख्त में सही इतना पता नहीं चल रहा है। गाइस पहुंच चुके हैं हम, अभी सामान सामान जो है ना निकालना है, कुछ गाड़ी में लोडर में और चुप कर जा। ये घर है जी फ्रंट एलिवेशन, लेकिन इस दरख्त ने जो है ना सारा का सारा एलिवेशन इसका छुपा दिया है। जी हैवी बाइक जा रहे हैं जी, ये दूसरा तीसरा चक्कर लगा रहा है हैवी बाइक वाला। ये भी हैवी बाइक जा रहा है, कैनाल रोड है ना, यहाँ लोग भी स्पीडे लगाते हैं। गाइस बारिश के बाद पत्ते सारे धुल गए हैं, मौसम बहुत प्यारा है फैसलाबाद का जी। गाइस कल रात यहाँ फैसलाबाद पहुँचे थे, कल रात की भी आपको थोड़े थोड़े मैंने जो है ना क्लिप्स शो करवाए हैं, दिखाए हैं कि कज़न की शिफ्टिंग थी घर की यहाँ पर, तो आज भी हम यहीं आए हुए हैं शिफ्टिंग के लिए। तो गाइस अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।